नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना महामारी के कारण बच्चे ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं। ऐसे में कई बच्चों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। दूर दराज के गाँव में ऑनलाइन पढ़ाई इंटरनेट की वजह से असंभव है। उन बच्चों का क्या जो टेक्नोलॉजी तो दूर मूलभूत सुविधाओं से भी अछूते हैं। देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट की सुविधा ना होने की वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच बच्चों की इस परेशानी को समझते हुए राजस्थान के बाड़मेर में कुछ टीचर्स ने एक अनोखा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत शिक्षक ऊँटों पर सवार होकर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे स्कूली छात्रों को पढ़ाने जाते हैं। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद है और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के इस पश्चिमी इलाके में मीलों तक फैले थार रेगिस्तान मोबाइल नेटवर्क तक नहीं है, इसलिए बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से भी वंचित हैं। इन वंचित बच्चों का हाथ थामा रूप सिंह जाखड़ और उनकी टीम ने। जिले के भीमथल सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य रूप सिंह जाखड़ और उनके शिक्षक स्टाफ ऐसे अभियान में जुटे हैं जिसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी है। इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल रूप सिंह जाखड़ ने कहा कि ऐसे शिक्षक प्रशंसा के पात्र हैं और इस तरह के प्रयासों को जारी रखना चाहिए। इतना ही नहीं, ये टीम बच्चों को शिक्षण सामग्री भी मुहैया करा रही है। रूप सिंह और उनके साथी शिक्षकों की टीम बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, कॉपी किताब, पेन पेंसिल लेकर जाती है और वो फ्री में उन्हें बांटती है। सोशल मीडिया पर इस टीम की काफी तारीफ की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।